नमस्कार, मैं हूँ शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि आज की वीडियो कमाल की होने वाली है। इस वीडियो में आपको बाजीराम एंड रवि के आसपास की लोकेशन देखने को मिलेगी और बाजीराम एंड रवि का हेड ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कितनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पे बच्चे आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं और आप बाजीराम एंड रवि के बारे में सोच रहे हैं और उसका रिव्यू देखने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं वहाँ का एरिया कैसा होगा, वहाँ पे कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। बाजीराम एंड रवि बहुत ही अच्छा कोचिंग है, वहाँ पे लाखों बच्चे पढ़ते हैं। फिर भी आप अपनी आंखों से खुद इस वीडियो में देख लीजिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, ये वीडियो एक साल पहले का है। एक साल पहले यानी कि जब हमारे देश में लॉकडाउन नहीं हुआ था, लॉकडाउन से पहले का है। हालांकि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हम यही दुआ करते हैं कि बहुत जल्द ही ये कोरोना ठीक हो जाए और सारे बच्चे फिर से दोबारा वापस लौटकर यहाँ पे तैयारी करने के लिए आ जाएं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लगता है जब हज़ारों बच्चे यहाँ पर देश के कोने कोने से पढ़ने यहाँ पर आते हैं। हमें यहाँ पे नई नई भाषा सुनने को मिलती है, नए नए लोग मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई उत्तर प्रदेश से, तो कोई मध्य प्रदेश से, कोई मुंबई से, तो कोई कोलकाता से, हमारे भारत देश के अन्य राज्यों के छात्र छात्राएं यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं और अपने अंदर एक ऐसा जज्बा और जुनून लेकर आते हैं कि हम कलेक्टर बनकर ही जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ध्यान से देखिए इन गलियों को जहाँ से ये बच्चे निकल रहे हैं। हो सकता है शायद आपको भी भविष्य में यहाँ से गुजरना पड़े, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और दुआई करता हूँ कि अगर आपके मन में कलेक्टर बनने की चाहत है तो आप ज़रूर बनें।